Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Sports 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद. व्यूअर्स, पाकिस्तान बीट बांग्लादेश बाय एन इनिंग्स एंड 8 रन्स ऑन द 5th एंड फाइनल डे ऑफ द सेकंड क्रिकेट टेस्ट मैच टू क्लिंच द सीरीज 2-0. और बहुत जबरदस्त हिस्टोरिक मैच मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ बॉल्स बीइंग बोल्ड. और दिस इज आई गेस द सेकंड शॉर्टेस्ट मैच at Dhaka. Pakistan total of 300 for the loss of 4 wicket is the third lowest total by a team and then going on to win the match by an inning margin. So, bahut zabardast performance Pakistan ki. Is match mein humne dekha ki day 3 pura washout ho gaya, day 2 sirf 6.2 over ho sake aur isi tarah day 1 mein bhi around 50 overs. To bahut zyada barish aur bad light ki wajah se isme time zaya hua. और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये ड्रॉ हो जाएगा. बज़ाहिर यही नज़र आ रहा था कि ऑन द ओपनिंग डे आफ्टर विनिंग द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सीरीज बाबर आजम ने टॉस जीता. हमें पता है कि 3 T20 खेले गए, तीनों में बांग्लादेश ने महमूद अल्लाह ने टॉस जीता, उसके बाद से उन्होंने बैटिंग की. और फिर अब अगेंस्ट द टेस्ट टीम ऑफ बांग्लादेश अमीनुल हक ने पहले टेस्ट मैच में टॉस जीता, लेकिन इस दफ़ा बाबर आजम ने टॉस जीता एंड पाकिस्तान ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट. कुछ चेंजेस बांग्लादेश की टीम में हुई कि उन्होंने अपने ओपनर रफीफ और जावेद जो उनके फास्ट बॉलर थे इन दो को रेस्ट कराया और शकीब उल हसन और महमूदुल जॉय जो है इन दोनों को टीम में इंडक्ट किया. रिजल्ट फिर वही है कि इन पूरी सीरीज में बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर फेल टू परफॉर्म, फेल टू पोस्ट अ डिसेंट टोटल, फेल टू गिव देम अ डिसेंट स्टार्ट. बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको स्टार्ट ही अच्छा ना मिले तो आप शुरू से ही बैकफुट पे चले जाते हैं. एंड द सेम हैपन विद बांग्लादेश क्रिकेट टीम इन द होल टूर ऑफ पाकिस्तान. और जो मैं वक्त ज़ाया होने की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ द सेकंड शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच इन टर्म्स ऑफ बॉल बीइंग बोल्ड, ओनली 1291 बॉल्स बीइंग बोल्ड. तो ये टोटल 215 ओवर्स में इस पूरे टेस्ट मैच का रिजल्ट आपको आ गया. आपको पता है कि 90 ओवर्स पर डे कराए जाते हैं तो 450 ओवर्स होने चाहिए, लेकिन इस मैच का रिजल्ट सिर्फ 215 ओवर्स में हो गया, विच इज़ 1291 बॉल्स. और जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो था 1287 बॉल्स का बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका एट द सेम वेन्यू इन 2018. और जो पाकिस्तान की इनिंग की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के ओपनर्स ने जैसा पहले टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी पार्टनरशिप की, ओपनिंग स्टैंड दिया पाकिस्तान को, इस सेकंड टेस्ट मैच की इनिंग में भी पाकिस्तान ने सेंचुरी का तो नहीं लेकिन 50 प्लस, दे पुट ऑन 59 फॉर द फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप. अब्दुल्ला शफीक स्कोर 25 एंड आबिद अली मेड 39 रन. इसके बाद से एक पार्टनरशिप हुई बिटवीन अजहर अली एंड बाबर आजम. पाकिस्तान ने 161 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स ऑन डे 1. और फिर डे 2 में जब 6.2 ओवर्स का खेल हो सका तो पाकिस्तान मेड 188 रन, लेकिन विकेट पाकिस्तान की वही 2 गिनती. तीसरे दिन का जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा दिन ज़ाया हो गया, बारिश होती रही, मैच स्टार्ट ही नहीं हो सका. चौथे दिन पाकिस्तान दोबारा बैटिंग करने गया और पाकिस्तान ने थोड़ा तेज़ खेला. बाबर आजम ज़्यादा रन नहीं बना सके, 76 के स्कोर पर आउट हो गए. और अजहर अली 56, मोहम्मद रिजवान 50 एंड फवाद आलम मेड 50 रन. तो सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने कंट्रीब्यूट किया कि पाकिस्तान ने एक तो तेज़ भी खेला थोड़ा सा, पाकिस्तान मेड 300 और फिर डिक्लेयर कर दिया अपनी इनिंग फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. दिस वाज अजहर अलीज 34th हाफ सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, बाबर आजम्स 19th, मोहम्मद रिजवान 7th एंड फवाद आलम्स 2nd 50 इन टेस्ट क्रिकेट. अजहर एंड बाबर बोथ पुट ऑन 123 रन फॉर द थर्ड विकेट पार्टनरशिप. और फिफ्थ विकेट की पार्टनरशिप पे फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान ने बड़े तेज 103 रन स्कोर किए. पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी 300 रन. ये देखते हुए कि टाइम बहुत कम है, थोड़ा प्लान किया जाए और देखें कि जितना भी टाइम बचता है तो क्या पाकिस्तान उस टाइम में बांग्लादेश को 2 दफ़ा आउट कर सकता है कि नहीं. और वही हमने देखा कि बांग्लादेश एट द एंड ऑफ डे 4 वाज 76 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. यहाँ पर नज़र आ गया था थोड़े बहुत चांसेस बन रहे हैं कि अगर पाकिस्तान रिमेनिंग उनकी फर्स्ट इनिंग की बाकी विकेट्स जल्दी ले लें तो फिर पाकिस्तान के पास तकरीबन पूरे दिन का खेल बाकी होगा. और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी साजिद खान की, पाकिस्तान के राइट आर्म ऑफ स्पिनर. ऐसी परफॉर्मेंस कि सिंगल हैंडली मैच जिता दिया. चौथे दिन जब बांग्लादेश की 76 for 7 था उसमें से 6 विकेटें उन्होंने हासिल की हुई थी और एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे.
और उस 76/7 के बाद से नेक्स्ट डे ऑन द फाइनल डे ऑफ द टेस्ट मैच बांग्लादेश रिज्यूम द फर्स्ट इनिंग्स एंड वो बोल्ड आउट फॉर जस्ट 87 रन्स। और इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान गेन अ लीड ऑफ 213 रन्स और पाकिस्तान ने फॉलो ऑन, पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम ने फॉलो ऑन इम्पोज किया और इस तरह बांग्लादेश को दोबारा बैटिंग करनी पड़ी। तकरीबन अराउंड 90 ओवर्स उनको सर्वाइव करने थे, या तो वो खेल जाते या फिर और ऐसा नहीं हुआ। देखिए जब नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप जाएंगे, आप ज़्यादातर बॉल्स को ब्लॉक करना चाहेंगे, जिस तरह कि उनके कैप्टन ने भी कहा कि ज़्यादा ब्लॉक करने की वजह से उनकी विकेट्स गिरी, अगर वो थोड़े बहुत शॉट्स खेलते तो कम आउट होने के चांसेस थे। फिर वही बात है, पॉजिटिविटी और एग्रेसिव माइंडसेट, जिस तरह कि हमारे चेयरमैन रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान जो है फेयरलेस क्रिकेट खेले, एग्रेसिव क्रिकेट खेले, ऐसी क्रिकेट खेले और प्लेयर्स को बिल्कुल डर ना हो कि हम हार गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब एक ये बात भी है, दूसरी ये है कि बांग्लादेश बहुत वीक टीम नज़र आ रही है, लेकिन आपकी विक्ट्री जो है वो अगेंस्ट एनी टीम वो एक बड़ी अहमियत रखती है। हमें 12 वैल्यूएबल पॉइंट्स मिल गए और अब ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है आफ्टर श्रीलंका। श्रीलंका ने क्योंकि दो टेस्ट मैचेस खेले अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़ और 100% विन रेशियो के साथ दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल फॉलोड बाई पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अब तक इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 4 मैचेस खेले, 4 में से 3 जीते 1 हारा, तो पाकिस्तान का विन रेशियो इज 75 और पाकिस्तान के पॉइंट्स जो हैं वो 36 हो गए। तो पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज विल बी अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन। 87 ऑल आउट करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से साजिद खान कैप्चर्ड 8 विकेट्स फॉर 42 एंड दिस इज द सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स आफ्टर मुथाया मुरलीधरन ऑफ श्रीलंका, कैप्चर्ड 9 for 51 in 2002 against Zimbabwe. This is also the fourth best bowling figures by a Pakistani bowler in Test cricket. Previously, this record was held by the inventor of Dusra, Saqlain Mushtaq, who captured 8 for 164 against England in 2000. Aur Pakistan ki taraf se Test cricket mein behtareen bowling figures ka record jo hai wo late Abdul Qadir ke paas hai, jinhone 1987 mein against England 9 खिलाड़ियों को आउट किया था 56 रन्स के। और अगर मैं ऑफ स्पिनर्स की बात करूं तो सकलैन मुश्ताक के पास ये रिकॉर्ड था पहले था, जिन्होंने 8 खिलाड़ियों को आउट किया था 164 रन्स के। लेकिन अब ये रिकॉर्ड, क्योंकि साजिद खान ने 42 रन्स के 8 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है, तो अब ये रिकॉर्ड उनके पास। कुछ और ऑफ स्पिनर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, सईद अजमल ने भी 7 खिलाड़ियों को आउट किया अगेंस्ट इंग्लैंड और 55 रन्स देकर एट दुबई। सकलैन मुश्ताक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में 66 रन के 7 खिलाड़ी को आउट किया। उनके अलावा द मैजिशियन सईद अजमल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ही हरारे में 7 खिलाड़ी को आउट किया 95 रन के। अब दूसरी इनिंग में इनिंग्स की डिफीट से बचने के लिए बांग्लादेश को 213 रन चाहिए थे और आगाज़ फिर वही मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी दोनों ने दो दो खिलाड़ी को जल्दी आउट कर लिया 6 ओवर्स में। बांग्लादेश ने 25 रन बनाए थे और उनके 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो चुके थे। अब इस वक्त लिटन दास और मुशफिकुर रहीम इन्होंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो की, लेकिन फिर वही बात है कि पाकिस्तान जल्दी विकटें लेता रहा। जैसी कोई ऐसी पार्टनरशिप होती थी तो पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर साजिद खान ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दोबारा आते थे और विकेट लेते थे। लेकिन इन सारी विकटों के दरमियान पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम ने भी अपने आप को ट्राई किया और एज एन ऑफ स्पिनर आए और माहिदी और शकीबुल हसन की जो पार्टनरशिप थी उसको ब्रेक किया है। क्रॉस खेलना चाह रहे थे माहिदी बीच में से तो लेग बिफोर हुए, रिव्यू लिया गया लेकिन रिव्यू में नज़र आया कि स्टंप से बॉल लग रही है, तब पाकिस्तान ने वो विकेट भी हासिल कर ली। अब शकीबुल हसन खेल रहे थे ऑल्दो कि पहली इनिंग में 30+ रन बनाए और इसमें भी हाफ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दे पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुए और साजिद खान की बॉल पर थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के खेलना चाह रहे थे। तो बॉलर की इंटेलिजेंस ये देखिए, उसने बॉल को थोड़ा खींच लिया और शकीबुल हसन को रिसीव किया फ्लाइट में और बॉल तक पहुंचे नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने एक शॉट खेली और फिर अजहर अली ने कैच पकड़ लिया कवर्स में। तो पाकिस्तान को जब शकीबुल हसन की विकेट मिल गई तो बहुत पाकिस्तान के चांसेस बढ़ गए कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। लेकिन डाइंग मोमेंट ऑफ द डे, डाइंग मोमेंट ऑफ द मैच, लास्ट 9 ओवर्स में बांग्लादेश की एक विकेट थी और क्योंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे लाइट कम हुई तो बाबर आजम ने स्पिनर्स को फौरन ऑपरेट करवा दिया कि बजाय इसके कि अंपायर लाइट ऑफर करते बैट्समैन को और मैच कॉल्ड ऑफ हो जाता। तो ये एक पॉजिटिव है, ये एक अच्छा साइन था, ये एक अच्छी गेम अवेयरनेस थी बाबर आजम की तरफ से कि उन्होंने फौरन दोनों एंड से स्पिनर्स से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और फिर
एक ओवर दो ओवर हमें लग रहा था कि कहीं ये सारे ओवर्स खेल ना जाए, फिर एक ही बॉल होती है जब टेल एंडर खेल रहा होता है स्टंप्स में, आप बॉल करें तो कहीं ना कहीं वो मिस करेंगे, स्निक करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, साजिद खान की बॉल पे बांग्लादेशी बैट्समैन बैकफुट पे गए लेफ्ट हैंड बैट्समैन और राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट उनके बॉल लगी, उन्होंने रिव्यू लिया लेकिन रिव्यू में नज़र आ गया कि स्टंप्स को हिट कर रही है। और इस तरह पाकिस्तान ने ये तारीखी मैच पाए इन इनिंग्स एंड 8 रन से जीत लिया और इस तरह पाकिस्तान की टीम ने ज़बरदस्त कीमती पॉइंट हासिल किए। साजिद खान जिन्होंने दूसरी इनिंग में भी 4 आउट किए, पहली इनिंग में 8 आउट किए, पूरे मैच में 12 आउट किए, को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और इस सीरीज में आबिद अली जिन्होंने 263 रन बनाए जिसमें एक सेंचुरी और एक निफ्ट सेंचुरी शामिल है, 87.67 की उनकी एवरेज, उनको मैन ऑफ द सीरीज करा। टूर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा, पाकिस्तान वन ऑल ऑफ देयर मैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द T20 सीरीज। पाकिस्तान वन द फर्स्ट T20 बाय 4 विकेट्स, द सेकंड बाय 8 विकेट्स एंड द थर्ड बाय 5। एंड देन मूविंग ऑन टू टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान वन द फर्स्ट टेस्ट मैच एट चिटागोंग बाय 8 विकेट्स और उसके बाद से हमने देखा कि ये टेस्ट मैच पाकिस्तान ने इनिंग्स के मार्जिन से जीता। एंड दिस इज ऑल्सो द 7th टेस्ट विन बाय पाकिस्तान इन 2021, द जॉइंट मोस्ट फॉर कैलेंडर ईयर। पाकिस्तान हैव वन 7 टेस्ट इन 1982 एंड इन 2002 एंड दीज ऑल दोस 7 विन इन 2021 केम अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबर आजम। ओनली स्टीव वॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया वन 8 टेस्ट मैचेस इन 1999 एंड इन 2004 रिकी पोंटिंग टीम went on to win 7 test matches in a calendar year. Sajid Khan, 8-42, is also the best bowling figure against Bangladesh in test cricket, breaking the record of Stuart McGill of Australia, who captured 8-408 runs in 2006. 12-428, Sajid is the third best for any bowler against Bangladesh. Bangladesh, 87 in first inning, is also their lowest at home. Here they were bowled out for 87 also against the West Indies and 91 against India. Three bowlers with better bowling figure in test for Pakistan than Sajid, 8-42. Abdul Qadir and Sarfraz Nawaz had 9 wickets each. Yasir Shah, 8-41 against New Zealand in 2018. Sajid Khan figures of 12-428 are also second best for Pakistan in the past 20 years. Shakibul Hasan of Bangladesh break the record of Sir Ian Botham, fastest to 4,000 run and 200 wickets. Sir Ian Botham achieved the milestone in 69 matches. Aur Shakibul Hasan usse 10 matches kam, yani 59 matches mein test cricket mein 4,000 run aur 200 wickets hasil kar liye. To ek zabardast performance Shakibul Hasan ki taraf se. Thoda sa panic kar gaye, frustration mein kahunga ki baaki unke aage peeche wickets girna shuru ho gayi. तो उन्होंने कहा कि थोड़े शॉट्स खेले, जैसा कि मोमिनुल हक ने कहा कि ज़्यादा ब्लॉक करना डेंजरस था जो कि उन्होंने अप्लाई किया और उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो गलत साबित हुई। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड हमने पूरे टूर में देख लिया कि पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी स्टेबल बड़ी स्ट्रॉन्ग और जिस तरह के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है वो इन डेड पिचेस पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि अगर जहाँ बॉलर्स को थोड़ी असिस्टेंस और ज़्यादा मिल रही हो तो ये हमारा जो बॉलिंग अटैक है फास्ट बॉलिंग अटैक ये डेडली डेंजरस भी हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ चुकी है टू प्ले 3 T20 एंड 3 1-day इंटरनेशनल अगेंस्ट पाकिस्तान और हमें पता है कि पाकिस्तान आर एट नंबर 3 इन द T20 रैंकिंग एंड नंबर 7 इन द 1-day इंटरनेशनल रैंकिंग। तो T20 में भी पाकिस्तान चाहेगा कि तीनों मैचेस जीत के पॉइंट गेन करे और अच्छी पोजिशन बन जाए और इसी तरह 1-day इंटरनेशनल क्योंकि ये 1-day सीरीज जो है वर्ल्ड लीग चैम्पियनशिप का हिस्सा है, ICC वर्ल्ड 1-day लीग चैम्पियनशिप और इसमें जो टॉप 8 टीम्स होंगी वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट और जो कि इंडिया में खेला जाना है। तो पाकिस्तान को जो भी होम सीरीज़ है या अवे सीरीज़ है इन टीम्स के अगेंस्ट जो कि थोड़ी वीकर हैं इनके अगेंस्ट वैल्यूबल पॉइंट्स गेन करने हैं और फिर अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करना है। वी विश पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो टिल नेक्स्ट प्रोग्राम। It's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.